ये कैसा अफसाना है ये इतना आपके लिए दोस्तों ये सवाल है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपनी ही धन की चार गुनी हो जाती है, जितना धन था वो चार गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो एक तो फर्स्ट नियम रूल है कि आप बेसिक फॉर्मूला रूल से यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इसे निकाल सकते हैं, नहीं फॉर्मूला याद है तो भी आपको निकालने के लिए बताएंगे, दो विधि आपको बताएंगे। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला को याद है। इसका जो एक फॉर्मूला है कि दर निकालना है, मुझे दर निकालना है, तो एन है कि गुना की संख्या कितना गुना हो गया, चार गुना, तो चार गुना हो गया, चार माइनस वन बट गुना हंड्रेड बटे टी, टी कितना है, टी हो गया टाइम पूछ रहा है बीस वर्षों, तो बीस नीचे लिख दीजिए तो क्या निकल गया, थ्री गुना हंड्रेड बटे बीस, बीस पंचे सौ मतलब पंद्रह, पास किया पंद्रह परसेंट हो गया। टाइम निकालना हो तो दर को नीचे लिख दीजिए, दर निकालना हो तो टाइम को नीचे लिख दीजिए, सेम फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला से टाइम या दर निकाल सकते हैं। यदि टाइम दिया, दर दिया हुआ है तो टाइम बराबर निकाल सकते हैं दर को नीचे रख करके। नहीं यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप इस सवाल को निकाल सकते हैं कि आपका मान लें सौ रुपया पैसा है, मूलधन आपका सौ रुपया है तो कितना हो गया, चार सौ रुपया हो गया, यानी मिश्र धन आपका चार सौ हो गया, तो बढ़ा कितना इसमें, चार सौ तीन सौ रुपया बढ़ गया, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ब्याज तीन सौ रुपया बढ़ गया। कितने वर्षों में तीन सौ रुपया बढ़ा, तो बीस वर्षों में बढ़ा है। हमें क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हमेशा प्रति वर्ष का पूछा जाता है, दर हमेशा एक वर्ष का होता है, तो एक वर्ष बीस वर्ष का तीन सौ रुपया बढ़ा तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो कट गया पंद्रह परसेंट बढ़ेगा, तो निकल गया बिना फॉर्मूला के भी आप इसे निकाल सकते हैं। एक सौ रुपया का चार सौ रुपया हो गया, मिश्र धन चार सौ हो गया, इसका मतलब कि तीन सौ रुपया बढ़ गया कितने वर्ष में, तो बीस वर्ष में आपका जो है तीन सौ रुपया बढ़ गया। एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो बीस से डिवाइड कर दिए तो पंद्रह परसेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सौ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए दोस्तों यह रहा, आपको जो है इस सवाल को फिर उसी सेम तरीके से जो पीछे में बताया इसी के आधार पर है। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन है दुगनी है, ये जो दुगनी का था ये एन का मान हो गया, आपको ये फॉर्मूला आपका हो गया टी बराबर एन माइनस वन गुना हंड्रेड बटे हंड्रेड बटे क्या दर होगा, यहाँ पे गलत लिखा था इसलिए आप ध्यान देकर लिखे, ये है दुगनी, एन का मान हो गया दुगना, फॉर्मूला में माइनस वन, वन कर दिया माइनस गुना हंड्रेड बटे दर है कितना 10%, तो इसे हल करेंगे तो वन गुना दो में घट गया एक गुना सौ बटे दस मतलब कि 10% हो गया। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप सवाल को बना सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। करना क्या है कि कोई धन सौ रुपया है, ये मूलधन है तो यह हो गया कितना आपका दोगुना 200 हो गया, ये हो गया आपका मिश्र धन हो गया, ये हो गया तो ये कितना बढ़ गया, ये जो है सौ था 200 हो गया, तो इसमें कितना ज्यादा हुआ तो सौ रुपया ये ज्यादा हो गया, तो सौ रुपया ज्यादा हो गया तो इसे जो है दर से भाग दे दे तो आपका आंसर आ गया 10 वर्षों में आपका ये दुगना हो जाएगा। सौ रुपया था तो 10% के दर से 10 वर्ष में आपका जो है 200 रुपया हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका सौ रुपया है कोई धन। आपको फिर एक अलग तरीका और बता रहा हूं निकालने का, जो कि आप आसानी से निकाल सकते, बता रहा हूं कैसे बनाना है आपको इस सवाल को। अगर कोई धन आप जो है 10% दर से सौ रुपया, एक सौ रुपया में आपका 10 रुपया इंटरेस्ट है, तो सौ रुपया होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये 10 रुपया को सौ रुपया होने में कितना टाइम, एक वर्ष में लग रहा है 10 रुपया इंटरेस्ट, तो इसको सौ बनाने में कितना लगेगा, 10 से गुना करेंगे तो यह 100 हो गया। कहने का मतलब एक सौ रुपया आता है तो आप क्या हो गया 10 से 100 रुपया हो गया, या 100 रुपया यानी कि बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 200 रुपया हो गया। सो 10 रुपया 10 वर्ष में 100 रुपया बढ़ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, ये कितने वर्षों में 10 वर्षों में। ये सवाल आपको बनाना है दोस्तों, कैसे बनाएंगे इसे, एक नया तरीका इसे बनाने का है कि आपका जो 10 रुपया है इंटरेस्ट लग रहा है, या इंटरेस्ट कितने पे 100 रुपया पर लग रहा है, 10 रुपया 100 रुपया में 10 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, इसे जो है 100 रुपया बनने माने इसको दुगना करना 200 बनाना है, तो 10 कितने का एक वर्ष में यह जो है 10 रुपया लग रहा है, तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा यह 100 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब 100 रुपया क्या हो जाएगा, ये 200 रुपया है, कितने वर्ष में 10 वर्ष, तो ये दूसरा तरीका है, टाइम निकल गया 10 वर्ष, ये दुगना हो गया। आपका रूल का फ्लो क्वेश्चन का फ्लो कराइए, 100 को 200 हो गया 10 वर्ष में 10% के दर से। थैंक यू दोस्तों, ये फिर मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लेकर आया हूँ, जो कि बहुत अच्छे सवाल है। इस सवाल को आप दो तरीका से कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, मैं फर्स्ट तरीका फॉर्मूला विधि से बताता हूँ, सेकंड तरीका जो ट्रिक विधि से मैं बता रहा हूँ। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है,
तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर साधारण और साधारण ब्याज की दर से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, टाइम निकालना है। फर्स्ट टाइम 8 वर्ष दिया हुआ है, सेकंड टाइम नहीं निकालना है, इसलिए टी टू लिखते हैं। सेकंड टाइम टी टू लिखते हैं, सेकंड एन एन गुना गुना कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, तो एन टू निकालना है। तो फर्स्ट है 5 गुनी, तो 5 - 1 कर देंगे, फॉर्मूला 1 है। सेकेंड क्या है आपका, 3 गुनी, 3 - 1 कर देंगे, और गुना कितना टाइम, यहाँ पर गुना क्या है, टाइम है, टाइम से गुना कर देंगे 8। तो क्या हो गया, इसको हल करेंगे तो 5 में 4/3 - 2 × 8, इसको काट देंगे 2 से, मतलब कि 16 वर्षों में। तो फर्स्ट तरीका ये रहा, 16 वर्षों में आपका जो है 5 गुनी हो जाएगा, आपका धन जो है 5 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको बनाने का जो तरीका है, आप इसे जो है दूसरा तरीका से, आप सेकेंड मेथड से आप बना सकते हैं इसे, कि कोई धन था आपका, वो जो कि हो गया 1 से 3 गुनी हो गया, कितने टाइम में, 8 वर्षों में। कहने का मतलब कि 1 से 2 गुनी हो गया होगा आपको 4 वर्षों में, और 2 से 3 गुनी फिर होने में लग गया 4 वर्ष, यानी कि 1 से 3 गुनी होने में 8 वर्ष हो गया, 3 से 4 गुनी होने में फिर 4 वर्ष लगेगा, फिर 4 से 5 गुनी होने में फिर 4 वर्ष लगेगा। तो टोटल कितने वर्ष लग गया, 4, 8, 4, 12, 4, 16 वर्षों में आपका 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप सवाल को बना सकते हैं।